मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित प्रिंसिपल राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन हनुमानगढ़ आज हम सरल प्रतिपगमन सिंपल रिग्रेशन टॉपिक पर चर्चा करेंगे डिस्कस करेंगे सरल प्रतिपगमन सहसंबंध का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि दो संबंधित श्रेणियों में कितना और किस प्रकार का संबंध है मान लीजिए एक सुरवाई दो श्रेणी है तो उनमें सहसंबंध धनात्मक है ऋणात्मक है अर्थात उसकी मात्रा क्या है इसका अध्ययन सहसंबंध सिद्धांत में किया गया लेकिन एक स्वतंत्र श्रेणी के निश्चित मूल्य के आधार पर दूसरी आश्रित श्रेणी के तत्संबी मूल्य का सर्व उपयुक्त अनुमान लगाने के लिए प्रतिपगमन विश्लेषण का प्रयोग करना आवश्यक होता है मान लीजिए हमारे पास x और y अगर दो मूल्य हैं तो y का मूल्य दिए हुए होने पर x का सर्वोत्तम मान क्या होगा यह हम सरल प्रतिपगमन की सहायता से समझ सकते हैं सरल रेखीय है प्रतिपगमन दो चर मूल्यों x और y के बीच रेखीय प्रतिपगमन का अध्ययन सरल रेखीय प्रतिपगमन कहलाता है दोनों चरों में से उस चर को स्वतंत्र माना जाता है जो ज्ञात होता है और दूसरे चर के अनुमान का आधार होता है और वह चर आश्रित कहलाता है जिसके मूल्य का अनुमान लगाना होता है प्रतीपगमन की विधि का प्रयोग दो से अधिक चरों के पारस्परिक संबंध का विश्लेषण करने में भी किया जाता है तीन या तीन से अधिक चरों के लिए प्रयुक्त रेखीय प्रतिपमन बहुगुणी रेखीय प्रतिपमन कहलाता है अगर हम दो चर लें और सुरवाई तो यह सरल प्रतिपगमन होगा और दो से अधिक चर अगर हम लेते हैं और उनका प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाए तो ऐसी स्थिति बहुगुणी प्रतिपगमन होगा प्रतिपगमन की रेखाएं दो श्रेणियों के पारस्परिक माध्य संबंध को प्रकट करने वाली सर्वोपयुक्त रेखाओं को प्रतिपगम रेखाएं कहा जाता है ये रेखाएं एक श्रेणी के माध्य मूल्य से संबंधित दूसरी श्रेणी के सर्वोत्तम माध्य मूल्य को व्यक्त करती है प्रतिपगमन की रेखाएं दो क्यों होती है अगर मैं चर्चा करना चाहें तो दो संबंधित श्रेणियों के लिए दो प्रतिपमन रेखाएं होती हैं एक रेखा वाई का एक्स पर प्रतिपमन प्रकट करती है इसकी रचना एक्स को स्वतंत्र चर मूल्य और वाई को आश्रित चर मूल्य मानकर की जाती है तथा इसकी सहायता से एक्स के दिए हुए औसत मूल्य के तत्संबंधी वाई का सर्वोत्तम माध्य मूल्य अनुमानित किया जा सकता है दूसरी रेखा एक्स का वाई पर प्रतिपमन प्रकट करती है इसकी रचना में वाई को स्वतंत्र मूल्य और x को आश्रित चरमूल्य माना जाता है तथा इस रेखा के आधार पर y के दिए हुए निश्चित माध्य मूल्य से संबंधित x का सर्व उपयुक्त माध्य मूल्य ज्ञात किया जा सकता है इन रेखाओं को खींचते समय आश्रित श्रेणी के मूल्यों को उनके माध्य के अधिक से अधिक निकट रखा जाता है अतः दो श्रेणियों के लिए दो प्रतिपगमन रेखाएं होना आवश्यक है प्रतिपगमन रेखाओं के कार्य नंबर एक सर्व उपयुक्त अनुमान लगाना प्रतिपगमन रेखाओं की सहायता से x के मान दिए होने पर y के और y के मान ज्ञात होने पर x के सर्वोत्तम माध्य मूल्यों का अनुमान लगाया जा सकता है नंबर दो सहसंबंध की मात्रा और दिशा का ज्ञान भी प्रतिपगम रेखाओं की सहायता से किया जा सकता है सहसंबंध धनात्मक है ऋणात्मक है पूर्ण सहसंबंध है या सहसंबंध का अभाव है या सीमित सहसंबंध है इनका अध्ययन भी प्रतिपगमन रेखाओं की सहायता से प्रतिपगमन गुणांकों के माध्यम से किया जा सकता है अगर हम प्रतिपगमन समीकरणों के बारे में अध्ययन करें तो x का वाई पर प्रतिपगमन समीकरण इसकी सहायता से वाई जिसे कि हमने स्वतंत्र चर मूल्य माना है कि दिए हुए मूल्य के तत्संवधि एक्स जो कि आश्रित मूल्य है का सर्वोत्तम माध्य मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा रेखाचित्र पर इस समीकरण के मूल्यों को प्रांकित करने से एक्स की वाई पर प्रतिपमन रेखा प्राप्त होती है मान लीजिए यहाँ एक्स आश्रित चरमूल्य और वाई स्वतंत्र चरमूल्य है वाई किसी वस्तु की कीमत हो और एक्स किसी वस्तु की मांग मात्रा हो तो उसके विभिन्न कीमतों के स्तर पर स्वतंत्र कीमतों के स्तर पर उसकी मांग मात्रा का अध्ययन इस समीकरण के द्वारा किया जा सकता है इसी प्रकार नंबर दो y का x पर प्रतिपगमन समीकरण है इसके आधार पर एक्स स्वतंत्र चर मूल्य के तत्सम तत्समवधि वाई जिसे हमने आश्रित मूल्य माना है कि सर्वोत्तम या सर्व उपयुक्त मूल्य का अनुपात लगाया जाता है और वाई की एक्स पर प्रतिगमन रेखा खींची जाती है मान लीजिए यहां आश्रित मूल्य कीमत और स्वतंत्र चर पूर्ति मात्रा हो तो विभिन्न कीमत कीमत स्तर पर या विभिन्न कीमतों पर कितनी कितनी पूर्ति उत्पादकों के द्वारा की जाएगी इस रेखा के द्वारा इसका अध्ययन किया जा सकता है रेखीय प्रतिपगमन के समीकरण सरल रेखा के समीकरण पर आधारित हैं और मूल रूप में जो समीकरण है इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं x का y पर प्रतिपमन समीकरण x बराबर ए प्लस बी वाई जहाँ एक्स आश्रित चर है y स्वतंत्र चर है a इसके अंत्यचाप को और b इसके ढाल को स्लोप को जो इससे रेखा बनेगी उस रेखा का ढाल क्या होगा उसका स्लोप क्या होगा इसको b के मान के द्वारा दिखाया जाएगा इसी प्रकार दूसरी प्रतिपगमन समीकरण y का x पर प्रतिपगमन है y बराबर ए प्लस बी एक्स यहाँ एक्स स्वतंत्र चर है और y आश्रित चर है इसमें x स्वतंत्र चर के विभिन्न माध्य मूल्यों के अनु, अनुमान के अनुसार y के सर्व उपयुक्त मान क्या होंगे इसका अनुमान लगाया जाता है यहाँ भी a अंत्यचाप और b इसके ढाल को इसके स्लोप को जो रेखा को हम ग्राफ पर बनाएंगे इसका ढाल कैसे बनेगा इसको भी दिखाएगा प्रतिपगमन गुणांक हम ज्ञात करें दो संबंधित श्रेणियों प्रतिपगमन विश्लेषण करते समय उसके दो प्रतिपगमन गुणांक भी निकाले जाते हैं दो श्रेणियां जो हमने x का y पर प्रतिपगमन और y का x पर प्रतिपगमन लिया इनका विश्लेषण करके हम प्रतिपगमन गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं और आगे चलकर इन प्रतिपगमन गुणांकों की सहायता से हम सहसंबंध गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं प्रतिपगमन गुणांक वह अनुपात है जो ये बतलाता है कि एक श्रेणी के चर मूल्यों में एक का परिवर्तन होने से दूसरी श्रेणी के चर मूल्यों में औस्तन कितना परिवर्तन होगा हम इसे प्रतिशत रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं वास्तव में यह प्रतिपगम रेखा के ढलान का बीज पर प्रतिपगम गुणांक अगर हम ज्ञात करना चाहें तो यह गुणांक x की y पर प्रतिपगमन रेखा के ढलान का माप है जो यह बताता है कि y में एक इकाई का परिवर्तन होने पर x में कितना परिवर्तन होगा जैसा निम्न सूत्र में दिखाया गया है बी एक्स वाई यानी एक्स का वाई पर प्रतिपूमन गुणांक बराबर आर आर गुणांक है इन टू सिग्मा एक्स एक्स श्रेणी का परमाप विचलन अपॉन सिग्मा वाई y श्रेणी का परमाप विचलन तो एक्स और y श्रेणी के परमाप विचलन के अनुपात का सहसंबंध गुणांक से अगर गुणनफल ज्ञात कर लिया जाए तो ये एक्स का वाई पर प्रतिपूमन गुणांक हमारे सम्म आ जाएगा इसी प्रकार नंबर दो अगर y का x पर प्रतिपगम ज्ञात करना चाहें तो यह प्रदर्शित करता है कि x श्रेणी में एक इकाई का परिवर्तन होने से y श्रेणी में कितना संभावित परिवर्तन होगा यह y की x पर प्रतिपगमन रेखा के ढलान का माप है इसे बी एक्स वाई चिन्ह के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसका निम्नलिखित सूत्र है बी एक्स वाई यानी x श्रेणी का y पर प्रतिगुण गुणांक था इसको हम y श्रेणी का x पर प्रतिगुण गुणांक के रूप में प्रकट कर सकते हैं बराबर r जो कि सहसंबंध गुणांक है और अब दोनों श्रेणियों के परमाप विचलन आ, का जो अनुपात था ये पहले वाले सूत्र के बजाय विपरीत हो जाता है सिग्मा y अपॉन सिग्मा x और इसका सहसंबंध गुणांक आर से गुणनफल ज्ञात करने पर y का x पर प्रतिगुण गुणांक हमारे सामने आ जाता है और दोनों प्रतीपगुमन गुणांक बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का गुणनफल करके अगर उनका वर्गमूल ज्ञात कर लिया जाए तो हमारे पास सहसबंद गुणांक आर प्राप्त हो जाता है अगर हम निम्नलिखित तो उदाहरण के द्वारा इसे समझाना चाहें हमें कीमत और मांग मात्रा दो चर हमें दिए गए हैं कीमत का समांतर माध्य और परमाप विचलन साथ ही मांग मात्रा का समांतर माध्य और परमाप विचलन हमारे सामने सारणी में दिए हुए हैं और उच्च बंद सहसंबंध है हमारे सामने है। मांगी गई मात्रा का कीमत पर प्रतिपगमन समीकरण करना चाहें कब यदि कीमत बारह पॉइंट पांच रुपये हो संभावित मांग क्या होगी इस उदाहरण के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि यहां कीमत और मांगी गई मांग मात्रा दो चर हमारे सामने है और जब कीमत हमें बारह पॉइंट पांच रुपये दी हो और मांग मात्रा ज्ञात करनी हो तो यहां मांग मात्रा जो है वो हमारा आश्रित चर हो गया और दी हुई जो कीमत है वो हमारा स्वतंत्र चर है इस स्वतंत्र चर की सहायता से हमें मांगी गई मांग मात्रा ज्ञात करनी है माना कीमत x और मांगी गई मात्रा को हम y से प्रकट करें तो उदाहरण में हमें जो मूल्य दिए हुए हैं x श्रेणी का कीमत का समांतर माध्य x बार दस y बार पैंतीस और उसका विचलन दो एक्स श्रेणी का प्रमापचलन दो वाई श्रेणी का प्रमापचलन पांच और दोनों के बीच में सहसंबंध गुणांक जीरो पॉइंट आठ सहसंबंध। अब यदि स्वतंत्र चर बारह पॉइंट पांच हो तो आश्रित चर वाई का अनुमान करने के लिए हम वाई का एक्स पर प्रतिपगमन ज्ञात करेंगे और इसके लिए निम्नलिखित समीकरण का सहारा लेंगे वाई माइनस वाई बार बराबर आर डॉट सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार जहां y बार y श्रेणी का माध्य मूल्य है x बार x श्रेणी का r सहसंबंध गुणांक के दोनों श्रेणियों के बीच में सिग्मा y और सिग्मा x y और x श्रेणी के परमाप विचलन को प्रकट करते हैं उपरोक्त मूल्य समीकरण में रखने पर और इसको हल करने पर हमारे सामने मांगी गई मात्रा 40 जो कि इकाई हजार में चल रही है हजार इकाई चालीस हजार इकाई आती है इस प्रकार से हम एक मूल्य दिए हुए होने पर दूसरा मूल्य ज्ञात कर सकते हैं इसी प्रकार मांग का नियम पूर्ति का नियम की दी हुई वस्तु की कीमत दी होने पर मांग मात्रा ज्ञात करना दी हुई वस्तु की कीमत दी होने पर उसकी पूर्ति ज्ञात करना ये प्रतीपगमन रेखाओं की सहायता से हम समझ सकते हैं और इनकी सहायता से सर्वोत्तम माध्यम मूल्य की गणना की जा सकती है और साथ ही साथ सहसंबंध गुणांक भी इसकी सहायता से निकाला जा सकता है और दोनों प्रतीपगमन गुणांक जो है वो भी इसकी सहायता से निकाले जा सकते हैं इसी प्रकार सरल प्रतिपगमन को आगे चलकर हम वर्गीकृत श्रेणी के अंदर भी परिभाषित कर सकते हैं और दो से अधिक चरों में अगर हम इसको व्यक्त करना चाहें तो बहुगुणी प्रतिपगमन के माध्यम से इसको समझा सकते हैं बहुगुणी प्रतिपगमन के माध्यम से उपभोग फलन ज्ञात करना हो और विभिन्न वस्तुओं की कीमतें संबंधित वस्तुओं की कीमत, कीमत आय अगर दी हो तो हम बहुगुणी प्रतिपगमन की सहायता से इसको ज्ञात कर सकते हैं धन्यवाद